गुरुदेव, यदि मेरी बात का आपको विश्वास न हो तो जिनकी मैं पूजा करता हूँ उन गुरुदेव की मूर्ति एक बार आप ही देख लीजिए। अटूट भक्ति से जो तपस्या मैंने की उस पर प्रसन्न होकर अमोघ अस्त्र शस्त्र विद्या मुझे प्रदान करने वाली ये मूर्ति आपकी है या नहीं आप ही निर्णय कीजिए गुरुदेव। एकलव्य, शारदा देवी का अनुग्रह पाकर ही तुम इतने महान बने हो। शारदा देवी कौन है ये तो मैं नहीं जानता। आपकी दिव्य मंगल मूर्ति के सम्मुख नित्य खाना पीना त्याग कर निरंतर जो तपस्या की मैंने आपने उसका फल दिया है। यदि विश्वास ना हो तो मेरी इस तपस्या के साक्षी पंचभूतों की साक्षी मैं आपको दिलाता हूं गुरुदेव। रहने दो, यदि आप कह दें गुरुदेव, आप कह दें कि मैं आपका शिष्य हूं, बस एक बार कह दें तो ये जन्म तर जाएगा। एकलव्य, तुम्हारा जन्म तो कब का तर गया। तुम्हें अपना शिष्य अंगीकार करके मेरा जन्म सफल हो गया। गुरुदेव, अभी तो आपने मेरी विद्या को सार्थकता प्रदान की है, मेरे जीवन का उद्देश्य परिपूर्ण हो गया। गुरु दक्षिणा में क्या भेंट करूं, आज्ञा दीजिए। एकलव्य, मुझको तनिक विश्राम की आवश्यकता है। न्याय अन्याय और उचित अनुचित का निर्णय करने वाला महाप्रकांड पंडित धनुर्वीर द्रोण हूं मैं क्या? नहीं नहीं, इस भोले भाले भक्त शिष्य एकलव्य के साथ मैं क्या अत्याचार क्या अन्याय करने जा रहा हूं, ये सोचकर मेरी आत्मा मुझे बारंबार धिक्कार रही है, बारंबार धिक्कार रही है। मेरी आत्मा मुझे सर्वदा धिक्कारती रहेगी। पिताजी, आप निद्रा? निद्रा मुझे नहीं, शापग्रस्त को ऋणग्रस्त को निद्रा नहीं आती। अर्थात ब्राह्मण का जन्म लेके क्षत्रिय के समान बनकर प्रतिकार की भावना से द्रुपद से प्रतिकार लेने के उद्देश्य से अर्जुन को एक वचन दे बैठा, ये मेरा पाप अब शाप बन गया है मेरे लिए। एक और तो हृदय की अग्नि बुझाने वाला शिष्य अर्जुन है, पर दूसरी ओर हृदय को मंदिर बनाकर मेरी आराधना करने वाला शिष्य है। समय ने मुझको कठिन परीक्षा में डाल दिया। परिष्कार न मिले तब तक नरकाग्नि भोगनी पड़ेगी। एकलव्य, गुरुदेव, आप इस समय अभीष्ट सिद्धि के लिए यही उचित समय है। आपका मुझ पर कितना वात्सल्य है गुरुदेव। गौरी, क्या हुआ तुम्हें? क्यों तुम ऐसे कांप रही हो? कोई भी पता मुझ पे नहीं टूटी। ये बता बेटी,
शुभ मुहूर्त में गुरुदेव के दर्शन करने एकले जाते समय मन में चिंता क्यों? कारण मुझसे न पूछो। आज बलमा को घर से बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, चाहेगा तो मैं जाने नहीं दूंगी। गौरी, बलमा सारी रात अपशगुन होते रहे और भोर से पहले एक बुरा सपना देखा। देखती क्या हूँ कि आशीर्वाद के बहाने उस गुरु के तुम्हारे शीश पे हाथ रखते ही एक अग्नि ज्वाला ने तुम्हें भस्म कर दिया। मैंने इन आंखों से देखा है बलमा, सच कहती हूँ। गौरी, कहानियों तथा सपनों को सच मान के देव स्वरूप गुरुदेव पर शंका करना महापाप है। तुम कुछ भी कहो मैं नहीं मानूंगी। सासी 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 अभी नहीं समझाइए, मेरे मन में अनेक शंकाएं उठ रही हैं। ये भोर के सपने सच होते हैं ऐसा ही मैंने सुना है। अगली कहीं की मनुष्यों को समय के साथ चलना चाहिए, सपनों के साथ नहीं। साची, तुम भी बलमा का समर्थन कर रही हो? समर्थन नहीं गौरी, माँ ने सत्य बोला है। परमेश्वर की शरण में जाने वालों का उनके कंठ में लिपटे सर्प से भयभीत होना अविवेक है। बलमा, भय तो मुझे छू भी नहीं गया, तुम जानते हो। इसी कारण तो करबद विनती कर रही हूँ, तुम समझते क्यों नहीं बलमा? बलमा, दया करके मेरा कहा सुनो, मेरी बात मान लो बलमा, मान लो बलमा। सुन गौरी, मां जैसा प्यार गुरु को शिष्य से होता है। व्यर्थ में ऐसा सोचना बंद करके तू भी चल मेरे साथ आनंदोत्सव में भाग लेने। बलमा, गौरी, जय गुरु जय गुरु जय 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 गुरु जय गुरु जय गुरु जय 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 गुरु जय गुरु जय गुरु जय 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 गुरु जय गुरु जय गुरु जय 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 गुरु। गुरुदेव, इस तुच्छ भेंट के साथ में अपना सर्वस्व आपको गुरुदक्षिणा में समर्पित करने को तैयार हूं। आप किस सोच में पड़ गए? क्या सेवा करने में कोई भूल मुझसे हो गई, कोई त्रुटि हुई? गुरुदेव, भूल या त्रुटि तुमसे नहीं, पहले से बिना कुछ सोचे अर्जुन से प्रतिज्ञा करने की भूल तो मुझसे हुई है। आपकी प्रतिज्ञा न पूर्ण हो ये असंभव है, मैं वो प्रतिज्ञा पूर्ण करूंगा। बताइए गुरुदेव, अर्जुन से क्या प्रतिज्ञा की है? मेरे अनेकों शिष्यों में प्रथम रहने की कामना थी अर्जुन की, मैंने तथास्तु कह दिया। तो इसमें क्या बाधा है? वो स्थान तुम प्राप्त कर चुके हो। क्या सचमुच आपके अनेकों शिष्यों में मैं प्रथम? विद्या में ही नहीं, विनय विवेक सत्य सौजन्य इत्यादि समस्त गुणों में तुम ही प्रथम। धन्य हुआ गुरुदेव, इस जन्म के लिए यही पर्याप्त है। गौरी, सुना तूने, गुरुकुल में एक पद बिना रखने के योग्य मैं गुरुदेव के अनंत शिष्यों में प्रथम हूं। गुरुदेव, आपने अपनी अपार कृपा दृष्टि से अमोघ शस्त्रास्त्र मुझे जिस दिन प्रदान किए थे तो मैं झूम उठा था, किंतु मैं आज उससे भी अधिक प्रसन्न हूं। अब आप बताइए गुरुदेव, अर्जुन से आपने जो प्रतिज्ञा की उस प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए मुझे क्या करना होगा? बोली, असत्य दोष आप पर ना आए उसके लिए अपने प्राण तक में दे सकता हूं। इसकी आवश्यकता नहीं, गुरु दक्षिणा में तुम अपने सीधे हाथ का अंगूठा मुझे समर्पित कर दो तो पर्याप्त। हे महाराज, ऐसी पापिश गुरु दक्षिणा की इच्छा निकली कैसे मुख से? कौन सा वरदान मिला है आपसे? न धूप न बरखा न रात्रि न प्रभात, इससे भोजन किए बिना रात दिन सोए बिना स्वयं की लगन से विद्या अर्जन करके आपको गुरु कह के पुकारता है, उसका फल ये मिल रहा है। गौरी, जो ही सुना पाए है तो श्रद्धा भक्ति से अगवानी करके पाद पूजा करके आपको डोली में बिठाकर स्वयं अपने कंधों पर लाया, ये उसका पुरस्कार मिल रहा है। गौरी, क्षमा कीजिए आचार्य, गौरी ने आपके मन को आघात पहुंचाया, इसके कहने का बुरा न माने गुरुदेव, क्योंकि इसे ये अंगूठा प्राण समान है। तुम्हें नहीं, मुझे। इससे मुझे भी प्रेम है, धनुष पकड़ने के लिए आवश्यक है।
पान साधने के लिए ही आवश्यक है, तत्पश्चात गौरी की मांग में कुमकुम भरने के लिए भी आवश्यक है। चलिए ने भूल जाए, पर यह सबसे अधिक आपकी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए आवश्यक है। मैं तो तेरे हाथों जिस शिक्षा की हत्या अभी हुई है उस शास्त्र विद्या की देवी हूँ, तेरी दुष्कृति की निष्कृति नहीं। मैंने भेद मंत्र तुम्हारे वश में किए थे, जो स्वार्थ वश होकर एक प्रतिज्ञा पूर्ति के बहाने तूने उनकी पवित्रता का हरण कर लिया। आने वाले महाभयंकर महाभारत के युद्ध में तू अस्त्रों का परित्याग करके अपने शत्रुओं के आगे शीश धुन धुन कर रोएगा, सिसक सिसक कर तू रोएगा। तेरे प्राणों का पंछी घृणित मनुष्यों के समान मरेगा, ये सदा ध्यान रखना, ये अटल है। गुरुदेव, आपको यह शाप केवल मेरे कारण मिला है? नहीं लाल, शारदा देवी के शाप ने मुझे शोक विमुक्त कर दिया। मेरा किया ये महापाप जन्म जन्मांतर तक मेरा पीछा ना करे, अतः यह दंड इसी जन्म में मिल जाए तो पर्याप्त है। तुम जैसे त्याग मूर्ति के पवित्र रक्त से सनी इस परम पुनीत धरती पर अब एक क्षण नहीं रुकूंगा। गुरुदेव, लाल, भावी भारत के इतिहास में एक लव्य का नाम लेके गुरु शिष्य एक पवित्र डोर में सदा के लिए बंध के सरस्वती की इच्छा पूर्ति करेंगे, ये सत्य अखंड सत्य है। गुरुदेव, दीर्घायुष्मान भव, दीर्घायुष्मान भव। गुरुदेव, काम तूने क्यों किया? बेटे, त्याग करने की भी एक सीमा होती है। तुमने ही तो त्याग और परमार्थ का अर्थ मुझे समझाया था, इसकी कोई सीमा नहीं बताई माँ। इस बात का ज्ञान नहीं तुझे, भील जाति के लिए धनुष रक्षा कवच तुम्हारे पिता ने कहा था। पिताजी की इच्छा पूरी होगी माँ, गुरुदेव ने अंगूठा ही लिया है, मेरी विद्या नहीं। आचार्य की दी हुई विद्या के गूढ़ भेद अभी तक मेरे मस्तिष्क में है, जिन्हें मुझसे किसी का छीन पाना असंभव है। इस विद्या का आगार हर प्राणी में बांट के मैं एक एक भील युवक को सौ सौ एक लव्य का रूप दूंगा। वो सब धनुष बाण अपने हाथों में पकड़कर जिस दिन खड़े होंगे, भील साम्राज्य की ओर किसी की दृष्टि नहीं उठेगी कभी। सत्यम शिवम सुंदरम की धुंधु भी तब बजेगी उन भीलों में। याद रहेगी युग युग तक ये गुरु भक्ति की अमर कहानी। चंदा सूरज धरती अंबर है गंगा में जब तक पानी।